एग्रीमैन पम्मा की विचार सुन बच्चों ने की है मोबाइल से ऑनलाइन गेम डिलीट। और पंख एक नई उड़ान ट्रस्ट ने बच्चों के प्रसार के लिए दिया है 1,00,000 रुपए का चेक। आपको बता दें कि पंख एक नई उड़ान ट्रस्ट एक ऐसा नाम है जो हमेशा बच्चों को खेलों में जुड़ने के लिए कुछ ना कुछ कार्य करता रहता है। और इसी कड़ी में साउथ दिल्ली के साकेत में ट्रस्ट के अध्यक्ष आशा द्वारा खिलाड़ियों का सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें काफ़ी तादाद में बच्चे के साथ साथ निगम पार्षद दिनेश कुमार, नेशनल अकाली दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष परमजीत सिंह पम्मा, विजेंद्र यादव, जय किशन गोयल, दीपक पहलवान, इंद्रप्रीत सिंह, जुगल किशोर, सिमरन शर्मा, आयशा खन्ना मुख्य रूप से उपस्थित थे। और इस अवसर पर परमजीत सिंह पम्मा ने कहा है कि बच्चों को नए नए खेलों से जुड़ना चाहिए, जिससे आने वाले समय में हमें नए नए खिलाड़ी मिल सकें और हमारे देश का तिरंगा विदेशों में भी लहराया जा सके, क्योंकि ऑनलाइन गेम्स बच्चों का भविष्य बिगाड़ रहा है और बच्चों को ऐसी लत लग जाती है, ना ही उनका पढ़ाई में मन लगता है, ना ही उनका कोई खाने में और ना ही उनका बाहर पार्कों में खेलने का मन होता है। और यहाँ तक कि कुछ बच्चों ने तो इन गेमों के चक्कर में आपराधिक घटनाएं भी की हैं और अपनी फैमिली तक के सदस्यों पर हमला कर उनकी हत्या कर दी है। और इसको देखते हुए ट्रस्ट के अध्यक्ष आशा ने 1,00,000 रुपए का बच्चों को चेक दिया है और कहा है कि यह बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, इसलिए ही पंख एक नई उड़ान समय समय पर बच्चों के लिए कार्य करती रहती है, जहां इस अवसर पर आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत किया गया है। जिस प्रकार अभी दीपक जी ने भी बताया कि जो बच्चे नशा करते थे या किसी प्रकार का भी करते थे, उनको भी हम गेमों में लेकर आए हैं, मगर एक नशा है अफीम, चरस और भी दूसरी शराब का, जो आज जो सबसे बड़ा नशा आ चुका है, वो आपके घरों में आपके दिमाग में घुसाया जा रहा है, वो नशा है ऑनलाइन गेमों का, जिसमें वो दिमाग आपका ब्लॉक कर दिया जाएगा, वो दिमाग इस प्रकार कर दिया जाएगा, ना आप खिलाड़ी बन पाएंगे, ना कलाकार बन पाएंगे, ना ही किसी प्रकार का कार्य कर पाएंगे। ये ऑनलाइन गेमें जो हमारे देश को, हमारे समाज को, हमारे युवा को बर्बाद करने में लगी हुई है, इससे आपको बचना है। आप पार्कों में जाइए, कहीं पर खेलिए, मगर ये गेमों से बचकर रहिए। अगर इन गेमों में आप फंस गए तो एक नशा तो है कोई पैसे से खरीदने का, ये फ्री का नशा आपके दिमाग को ऐसा ब्लॉक कर देगा, जिस प्रकार आपने देखा पीछे पबजी के लिए भी हमने आंदोलन किया कि पबजी जैसी गेमें बैन होनी चाहिए, कई बच्चों ने सुसाइड कर लिया, कई बच्चों ने अपने घर के लोगों को मार दिया। तो मेरा ये कहना है, ये विदेशी जो ताकतें हैं, ये हमारे युवा को आगे बढ़ने से रोक रही हैं। हमारा युवा कहीं पर अपना तिरंगा पूरे वर्ल्ड में ना दिखा दे, उनको डर लगता है कि भारत का जो युवा है वो मिट्टी से पैदा होता है और आसमान में तिरंगा लहराता है। तो इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि बच्चों, आज के दिन आप ये संकल्प लो कि ऑनलाइन गेम में जो भी बच्चे खेल रहे हैं उनको रोकें, उनको पार्कों में लेके जाएं, मैदान में लेके जाएं, कहीं पर भी लेके जाएं, मगर इस प्रकार की गेमों में मत जाएं। और मैं खासकर दीपक जी को मुबारक देना चाहूंगा, जिस प्रकार का वो कार्य कर रहे हैं, और जो मेरी बहन आशा जी जो इस प्रकार के युवक को मान सम्मान दे रही हैं, मैं चाहूंगा कि जरूर इनका एक बार तालियां बजाकर स्वागत कीजिए। और आने वाले समय में आप इस देश का भविष्य हो गए, क्योंकि आपने देखा इस बार इंडिया ने दिखा दिया पूरे वर्ल्ड को, मेडल पे मेडल लाकर, इसी प्रकार आपके गले में भी मेडल होंगे, आपके गांव के लोग भी अपने आप में बहुत मान सम्मान पैदा करेंगे और आपका इज्जत मान और बढ़ेगा। जय हिंद। दिल्ली से अतीक मलिक की रिपोर्ट।